ये बैंक निफ्टी का ट्रेड है और इसका जो टारगेट लगाया है वो है 378। जैसे ही 378 हिट हो जाएगा, अगर मार्केट का व्यू ऊपर की साइड का है या नीचे की साइड का है ये हम देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि बाय एंड डिप्स ऑर्डर प्लेस करें कि नहीं। तो अभी टारगेट हिट होने वाला है। ऑलमोस्ट टारगेट के पास में है। आप देख सकते हो कितना इसमें फ्लक्चुएशंस आता है। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है या 15 पॉइंट का है तो वो इजीली ले लेता है। टारगेट में ज़्यादा भी लगा सकती हूँ पर इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए टारगेट एक डिसेंट सा टारगेट लगाया है। तो अभी वेट कर रही हूँ टारगेट को हिट होने के लिए। ऑलमोस्ट 10-12 पॉइंट पीछे आया है। अभी और नीचे जा रहा है। अभी और नीचे चला गया। आप देख सकते हो प्रॉफिट एकदम कम हो गया है। तो ऐसा ही होता है बैंक निफ्टी में। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलते हैं। इसका शार्ट देखते हैं। So all you have to do is, if you just, one second. ये मेरा टारगेट है Let और me share my screen. अभी 362 चल रहा है। ये जो लाल कैंडल आप देख रहे हो ये इंडिकेशन देता है कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। तो ऐसे में आप एग्ज़िट मार सकते हो, पर अगर आपका व्यू स्ट्रांग है तो आप वेट कर सकते हो क्योंकि कंटिन्यूशन में दो लाल कैंडल आना भी सही नहीं है। मार्केट नीचे भी जा सकता है पर मेरा व्यू जो है ऊपर साइड का है। देखिए अब मार्केट नीचे आ गया है जैसे मैंने बताया था, फिर भी मैं ये ट्रेड को होल्ड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मैंने व्यू बनाया है वो एनालिसिस करके बनाया था। ये जो विक आप देख रहे हो, जितना बड़ा विक होता है उतना पावर उस कैंडल का कम होता रहता है। तो पहली जो लाल कैंडल थी उसमें बॉडी आपको देखने को मिलेगी, अच्छी सॉलिड बॉडी है। फिर नेक्स्ट टू कैंडल्स में आपको विक बड़े दिख रहे होंगे। ये और थोड़ा गिर सकता है नीचे। One second. All you have to do is, anyways, like if you आप know देख the सकते हो baseline बहुत ज़्यादा गिर गए। these things will remain the same 48, for all of us, right? फोर्टी नाइन this count will be changing. So last तो five अपोजिट count पार्टी जो है take it from वो काफी previous स्ट्रांग लग रही है अभी। like 1699, तो थोड़ा सा मुझे अभी होल्ड करना so पड़ेगा। last 5 months you can take from this graph and कंटिन्यूशन में 3 से 4 लाल कैंडल आना भी दिक्कत देता है। आप देख सकते हो धीमे धीमे करके मार्केट ऊपर उठा है, छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं। ये रिटेलर्स है
जहाँ पे उनकी एंट्री हुई है छोटे छोटे कैंडल्स पे, और ये जो बड़ा मूवमेंट आपको दिख रहा है जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो लेके जाते हैं मार्केट को ऊपर की तरफ, तो अभी ये बहुत ज़्यादा गिर गया है। और टारगेट की तरफ नहीं आया है, मैक्स उसने 375 टच किया है, मेरा जो टारगेट है वो 378 था, तो 3 पॉइंट की वजह से थोड़ा सा मुझे अभी ये ट्रेड को होल्ड करना पड़ रहा है। तो अगर आपको सेफ प्ले करना है, तो अगर आपके टारगेट तक नहीं आता है और थोड़ा नीचे जाता है तो आप वहाँ पे एग्जिट मार सकते हो, क्योंकि 2-3 पॉइंट कम हुए तो चलता है, पर इतने पॉइंट्स आपके कम नहीं होना चाहिए। पर आपका अगर व्यू स्ट्रांग है तो चाहे मार्केट कैसा भी बिहेव करे, आप आपके व्यू पर स्टिक रहिए और होल्ड करिए ट्रेड को। पर अच्छी तरह से आपको एनालिसिस करना है, नहीं तो फिर गलत अगर ट्रेड हुआ तो फिर आप लॉस में भी जा सकते हो। अभी थोड़ा सा 3 कैंडल एक ही लेवल पे बन रही है, कोशिश जारी है ऊपर की तरफ मार्केट को ले जाने की। बट आप देख सकते हो कि बेयर्स बहुत हावी है अभी, तो ये ट्रेड अभी और होल्ड पे जा सकता है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है इसमें, आप देख सकते हो बहुत नीचे आया है, 33 तक आया है, हमारा बाइंग प्राइस 33 था, बाइंग प्राइस से नीचे भी आया है। तो अगर आप जो मार्केट देता है उसे आप लेते नहीं हो तो फिर आपको होल्ड करना पड़ता है, इसमें टाइम बर्बादी भी होती है और लॉसेस भी होते हैं इसमें, तो ये सब गलतियां है वो मैं आपको दिखा रही हूँ इस ट्रेड से। तो चलिए ट्रेड होल्ड करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या करें।75 तक गया था मैच, जाएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में, जाएगा शायद 400 तक जा सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट तक। जब मार्केट को ज़्यादा पॉइंट देने होते तो बहुत तेज़ी से हो जाता है, ताकि लोग ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग ना कर पाए, ये बहुत फास्ट मोमेंटम देता है और फिर रिवर्स हो जाता है। तो आपको अवेयर करना है स्पेशली ऐसे टाइम में जब मार्केट बहुत फास्ट मोमेंटम दे सकता है। टारगेट के लिए और
35 से 40 पॉइंट चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। अभी ये ट्रेड बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस ट्रेड में कितने मुझे मिलते हैं उसका स्क्रीनशॉट मैं अभी लगाती हूँ ट्रेड ख़त्म होने के बाद। तो ये वन लॉट का पूरा सिस्टम बनाया है, वन लॉट से बैंक निफ्टी का। तो देखते हैं टारगेट मेरा अभी हिट होता है कि नहीं।